नमस्कार। 2% लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि किस्मत और ब्रह्मांड हमेशा उनके पाले में है। जो भी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लेकिन बाकी के 98% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। वो पूरी मेहनत करते हैं, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, वाइब्रेशन के साइंस को सीखा, द सीक्रेट पढ़ी, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ उनके साथ काम नहीं करती है और उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठगने की विद्या है, एक झूठ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम सब एक क्रिएटर हैं और हमेशा एक क्रिएटर ही रहते हैं। मैनिफेस्टेशन लगातार हमारी एनर्जी से हो रही है, लेकिन अभी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो कि हम चाहते हैं, और वो मिल रहा जो हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी, परेशानियां, बीमारियां। इसलिए शायद हम ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे साथ नहीं है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें इस लॉ की सही से समझ नहीं है। आज हमारा वर्ल्ड डूइंग या एक्शन पे ही सिर्फ काम करता। एक्शन जरूरी है, लेकिन डूइंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि समझ ही आपको सही काम करने की प्रवृत्ति देती है और समझ के कारण ही आप सही रास्ते को ढूंढ पाते हैं। और ये वीडियो आपको ये समझाने में हेल्प करेगा कि कैसे हम अपने क्रिएशन की पावर, यूनिवर्स और क्वांटम फील्ड के अंदर जो मैनिफेस्टेशन की पावर है, उस वरदान को हम अपने हक में यूज़ करें और अपनी सेहत, करियर, रिश्ता, जो भी हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बना पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं है। उनको लगता है कि यूनिवर्स कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो देगा, वो देगा। लेकिन उसकी भाषा अलग है। वो आपको वो नहीं देता जो कि आप चाहते हैं या मांगते हैं या ऐसे प्रार्थना करते हैं। वो आपको ये देता है जो आप खुद हैं। यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू आर। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अगर पैसा चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो कुछ भी चाहिए, इसके लिए मुझे कैसा इंसान बनना पड़ेगा। और इस कड़ी में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। एक बड़ा झूठ जो लोग समझते हैं कि यूनिवर्स से जो मांगो वो दे देगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो कि आप मांगते हो, इसकी भाषा अलग है। यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप खुद हैं, मतलब लॉ ऑफ रेजोनेंस, जिसके साथ आप रेजोनेट करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पे सवाल अलग हो जाता है। जो भी आपको चाहिए, इसलिए क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद का सवाल है। सबसे पहले आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि अगर मैं अच्छी सेहत, करियर, बिजनेस, जो भी चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कैसा इंसान बनना पड़ेगा। मतलब कि पहले आप डिज़र्व करते हैं, फिर आपको हक है कि आप डिज़ायर करें। लेकिन जब आप डिज़र्व करते हैं तो बिन मांगे वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आप ये पूछें कि मुझे किस तरह का इंसान बनना पड़ेगा, क्या खूबियाँ लानी पड़ेंगी, क्या हैबिट्स हटानी पड़ेंगी और क्या नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपने फोकस को वहाँ लगाते हैं, आपकी वाइब्रेशन अप हो जाएगी और जैसे ही आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम नहीं करने देती, वो है फीलिंग का अभाव। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इस पर कितनी सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, फीलिंग वो भाषा है जो सीधा यूनिवर्स को समझ में आती है। मैंने एक मॉन्क की कहानी कही थी कि मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क, जब बैठते हैं तो बहुत सारे मंत्रोच्चार करते हैं, वो इंसेंस जलाते हैं और अंधेरे रूम में कुछ करते हैं। और जब मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपने तो ये बोला ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, और वो कहते हैं कि मेरी जो प्रेयर है ना, वो फीलिंग ही मेरी प्रेयर है। यूनिवर्स को सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे यूनिवर्स के साथ जुड़ना है और जुड़ने का साधन है हमारी फीलिंग या हमारी भावनाएं। लेकिन आज हमारा हार्ट डेड है, मतलब कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। जो फीलिंग्स हैं एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, फियर की, डर की, दरअसल वो फीलिंग नहीं है। वो सिर्फ सकारात्मक फीलिंग, लव की, दया की जो फीलिंग है, उसका अभाव है। जैसे रोशनी के अभाव में अंधेरा आ जाता है, उसी तरह से सकारात्मक इमोशन के अभाव में हमारे अंदर ये नकारात्मकता घर कर गई है, बैठ गई है। लेकिन समझने की बात है कि अगर जब तक हम पॉजिटिव फीलिंग नहीं लाएंगे, यूनिवर्स के सहारे हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने अंदर लव की फीलिंग, दया की फीलिंग, एप्रिशिएशन की फीलिंग, इसकी प्रैक्टिस करने की शुरुआत करें। इसको खूब प्रैक्टिस करें। और जो आप चाहते हैं वो सिर्फ शब्दों में इंपॉर्टेंट नहीं है, डिज़ायर के रूप में इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आपको फील करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको फील करना पड़ेगा स्वस्थ होना कैसा फील होता है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको रिचनेस की फीलिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पहले कुछ मिलेगा तब मैं फील करूँगा। क्वांटम लॉ अपोजिट है, जैसे ही आप उस फीलिंग को होल्ड करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान अपने ब्रेन से हटा के अपने हार्ट को नर्चर करने पे दें और पॉजिटिव फीलिंग जो भी आप चाहते हैं उसको अपने अंदर फील करने की प्रैक्टिस करनी शुरू करें। तीसरी चीज़ जो मैनिफेस्टेशन को रोकती है वो है लैक ऑफ फेथ। इस दुनिया में ना असंभव को संभव बनाने का एक ही फॉर्मूला है, वो है विश्वास, और एक ही फॉर्मूला है जो संभव को भी असंभव कर सकता है और वो है विश्वास की कमी। क्या आपने किसी बच्चे को देखा है जब उसे आसमान में उछाला जाता है तो वो हंसता है, क्योंकि उसे पता है, उसके अंदर विश्वास है कि उसके पिता उसे कैच कर लेंगे, गिरने नहीं देंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से यूनिवर्स भी काम करता है। यूनिवर्स हमेशा कहता है तथास्तु, लेकिन अगर आपने जो मैनिफेस्ट करना चाहा है उसके प्रति अगर आप डाउट रखेंगे, वरी रखेंगे, चिंता रखेंगे, ये सोचेंगे शायद ये नहीं होगा, इसका मतलब आप यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। मित्रों, फेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास होना तो एक सिंपल केमिकल भी, चीनी की गोली भी दवाई बन जाती है, प्लेसिबो इफेक्ट। और अगर विश्वास ना हो तो ओरिजिनल मेडिसिन भी काम करने से मना कर देती है, नोसिबो इफेक्ट। इसी तरह से फेथ पे जितने एक्सपेरिमेंट किए गए वो सब यही बताते हैं कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। इसलिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें, पूरी विश्वास के साथ कि मैंने अपने ब्रह्मांड से मांगा है, परम पिता से मांगा है, वो कैसे इग्नोर कर सकता है, वो सही समय पे आएगा, देर है अंधेर नहीं। और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। क्या आपने कभी देखा है? अट्रैक्शन शब्द के अंदर ही एक्शन है। जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, जो रियलिटी क्रिएशन का प्रोसेस है, ये 3 H से मिलके बना है। पहले हम कुछ सोचते हैं, थॉट्स के रूप में ये काम करती है कि हमें क्या चाहिए, दिस इज फर्स्ट H, हेड। दूसरा H है हमारा हार्ट, जो हम चाहते हैं वो हमारी सेकंड स्टेप में हमारी फीलिंग बन जाती है, हमारे अंदर का एक संगीत बन जाता है। और तीसरा H है हैंड्स, मतलब एक्शन। इसलिए आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। जो आप चाहते हैं उसके प्रति आप क्लियर हो जाएं, सेकंड आप उसके लिए अपने अंदर फीलिंग लाएं, और तीसरा स्टेप है आप खुद से ये पूछें, क्योंकि आपके हार्ट के अंदर एक कॉम्पास छुपा है जो कि हमेशा आपको गाइड करता है कि सही एक्शन इस समय आपके लिए क्या है। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आखिर इस समय मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, और जैसे ही आप सही एक्शन लेते हैं आप देखेंगे यूनिवर्स के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। एक बार मैं एक मॉल में गया था, जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा अपने आप वो जो शीशे का दरवाजा था वो खुल गया। उसके बाद एस्केलेटर भी रुकी हुई थी, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा एस्केलेटर चलनी शुरू हो गई। आखिर क्यों? इसी तरह से यूनिवर्स भी काम करता है। जब आप अपने गोल की दिशा में, जो चाहते हैं उसकी दिशा में कोई एक्शन लेते हैं, अपने आप यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते लाता है, आपको गाइडेंस देता है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी आपको मिल जाए जो आपको गाइड करना चाहता है, हो सकता है आपके पास कोई एजेंसी आ जाए, कोई अलग अलग तरीकों से हेल्प आ जाए, क्योंकि यूनिवर्स टाइम स्पेस सिंक्रोनिसिटी क्रिएट करता है। लेकिन इसके लिए वो चाहता है कि आप भी कोई प्रयास करो, आप भी कोई एक्शन लो। तो फिर से रिवाइज करते हैं, पहला लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं, वो नहीं जो कि आप चाहते हैं। दूसरा है फीलिंग इज द सीक्रेट, जिसे आप चाहते हो उसे सोचना सफिशिएंट नहीं है, उसको अपने अंदर दिल में फील करना भी ज़रूरी है। और साथ साथ आप पॉजिटिव इमोशंस, लव की, जॉय की, हैप्पीनेस की, एप्रिशिएशन की, इसको भी फील करने की अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को आदत दिलाएं। तीसरी चीज़ है फेथ। विश्वास अगर ना हो तो संभव भी असंभव बन जाएगा, और विश्वास हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। और चौथी चीज, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। इसलिए खुद से आप ये पूछें कि मुझे इस समय क्या एक्शन लेना चाहिए, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन गए। मित्रों, क्रिएशन हमारा स्वभाव है, सिर्फ गलत जानकारी के कारण या सही जानकारी के अभाव के कारण हम इस शक्ति को खो देते हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारी सहायता करना चाहता है। मित्रों, अगर आप मैनिफेस्टेशन, माइंड पावर, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर अगर मेरे वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं 3 घंटे की लाइव फ्री, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इन वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन होता है, यही मुझे बताता है कि अगला मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलूंगा अगले वीडियो में।